हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं चालू करने जा रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन सीरीज, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में एक टॉपिक है। आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी हो सकता है ये टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर अभी डबल इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पर होता है? डबल इंटीग्रेशन का यूज होता है हमें एरिया फाइंड करने के लिए, या तो वॉल्यूम ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए। ओके, और मास ऑफ लेमिना में भी हम लोग डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो आपने 12th में किया है। ओके, और आपको कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए कि कोई कर्व दिख रहा है तो किस तरह का ड्रॉ होगा। तो अगर आपको देखना है कि कौन सा कर्व किस तरह से दिखता है, तो उसके लिए मैंने कर्व ट्रेसिंग करके एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, जो आप जाके देख सकते हो वहां से कि किस तरह का कर्व कौन सा दिखता है। ओके, अगर नहीं देखना तो वैसे भी मैं सम जहां जहां पर आएंगे, जो जो सम में कर्व होंगे, तो वो मैं ड्रॉ करके वैसे भी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, तो चलते हैं, चालू करते हैं अपना सम, डबल इंटीग्रेशन सीरीज का सबसे बेसिक सम। ओके, तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन इस तरह का दिखता है। ओके, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन होगा यहाँ पे, एक्स वाई का टर्म होगा कुछ, और उसके बाद दिया रहेगा dx, या तो dy, या तो dy पहले होगा dx बाद में होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो देखेंगे हम लोग सॉल्व करते टाइम की किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, और यहाँ पे रीजन दे सकता है आपको, या तो लिमिट दे सकता है। ओके, तो जैसे जैसे सम आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, तब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से डबल इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई का टर्म है फंक्शन, तो मैं एक्स वाई का टर्म में ले लेता हूँ एक्स एंड वाई, एक्स वाई ये एक फंक्शन है एक्स वाई। ओके, और यहाँ पर मुझे लिमिट दिया है, मैं मान लेता हूँ कि जीरो से वन और जीरो से एक्स, मान लिया मैंने कि जीरो से एक्स दिया है, और मान लिया मैंने यहाँ पर जीरो से वन दिया है। ओके, तो इस तरह का सम है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी अंदर होगा, अंदर का यहाँ पे dx है, तो ये dx किससे रिलेट करेगा, अंदर वाले लिमिट से, और ये बाहर क्या है dy है, तो dy किससे रिलेट करेगा, बाहर वाले लिमिट से। ओके, लेकिन कभी भी कोई भी डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको, तो आपको सबसे पहले एक चीज चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है dx है, तो ये लिमिट जो होना चाहिए वो y के टर्म में होना चाहिए, या तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ओके, उसके सामने वाला लिमिट y के टर्म में होना चाहिए, अगर x है तो, यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिमिट क्या है, जीरो एंड x है, x का टर्म है, सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, dy को आगे लिखेंगे, dx को पीछे लिख देंगे, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ओके, जब आपको बोलेगा सम में कि इवैल्यूएट करो डबल इंटीग्रेशन, तो चेंज करके भी दे सकते हो लोग, चेंज तो करके नहीं देते हो लोग, नॉर्मल सम ही रहते हैं वो लोग, dy dx के टर्म में ही होंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा उल्टा दे दिया, तो आपको चेक भी करना पड़ेगा कि dy है अंदर, तो ये एक्स के टर्म में होना चाहिए, अपोजिट टर्म में होना चाहिए, या तो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ओके, जैसे बाहर क्या डीएक्स है, तो यहाँ पे वाई का टर्म होना चाहिए था, लेकिन वाई का टर्म नहीं है तो कांस्टेंट है, तो चलेगा, कांस्टेंट को हमें चेक नहीं करना होता है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है कभी भी। ओके, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको डीवाई से इंटीग्रेशन करना है, इसको डीवाई से इंटीग्रेशन करना है, तो कभी भी डीवाई से इंटीग्रेशन करना है तो एक्स को कॉन्स्टेंट समझेंगे, अगर x से इंटीग्रेशन करना है तो y को कांस्टेंट समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे dy है तो x को कांस्टेंट समझूंगा, तो x ऐसे ही रहेगा, और y का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाय टू। ओके, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू, और इसमें लिमिट हम लोग क्या पुट करेंगे, x एंड जीरो, तो यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे जीरो लिखा। अब बाहर वाला जो पार्ट था उसको ऐसे लिख देते, dx को बाहर ऐसे लिख दिए, और बाहर वाला लिमिट था ऐसे इसको लिख दिए। ओके, अभी इसमें x पुट करेंगे और जीरो पुट करेंगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y के जगह पे पुट करेंगे, x के जगह पे नहीं, क्योंकि हमने y से इंटीग्रेशन किया, इसके लिए y के जगह पे x एंड जीरो पुट करेंगे। ओके, तो ये लिमिट को ऐसे ही रहने देता हूं मैं, और यहाँ पर x को भी ऐसे ही रहने दिया, और ये x इसके प्लेस पे पुट किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, अभी जीरो यहाँ पे पुट किया, तो जीरो स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और x को बाहर लिखा और ब्रैकेट दे दिया, और बाहर क्या है dx, उसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया पूरा, यहाँ पे x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, x क्यूब बाय टू, और बाहर लिमिट क्या था, जीरो से वन, और बाहर क्या था dx। ओके, इतना हो गया, अभी इसको x से इंटीग्रेशन कर देना है आपको सिंपली। ओके, तो यहाँ पे 1/2 क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट था, ऐसे ही लिखा, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x से x पावर 4/4, और यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे 1 एंड 0, एक बार 1 पुट करते हैं, एक बार 0 पुट करते हैं, 1/2 को ऐसे ही रहने दिए, और यहाँ पे एक बार 1 पुट किया, तो 1 पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 पावर 4 डिवाइड बाय 4, 0 पावर 4 डिवाइड बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। ओके, 1 रेस्ट टू 4 इज 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो
तो ये कितना आ जाएगा 1/8। तो हमारा आंसर कितना है डबल इंटीग्रेशन का 1/8 आया। ओके इतना होगा, इस तरह से सॉल्व किया। तो अगर आपको थोड़ा बहुत समझा होगा तो कोई बात नहीं। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा बेसिक सा, जिससे आपका और क्लियर हो जाए पूरा कि किस तरह से डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ओके तो सेम सम वापस से लेता हूं मैं, सेम सम। ओके जिससे आपका थोड़ा सा डाउट जो भी है डबल इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा बेसिक वाला जो क्लियर हो जाए। ओके तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 0 से 2, 0 से लिमिट सिर्फ चेंज करता हूँ बाकी वैसे ही रहने देता हूँ। ओके तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक्स एंड वाई, चलो एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ अभी, और यहाँ पे लिखता हूँ डी वाई और डी एक्स। ओके इसको सॉल्व करना है हमें। ओके सेम चीज है, अभी यहाँ पे अंदर क्या है डी वाई है, तो ये लिमिट एक्स के टर्म में होना चाहिए जो कि दिख रहा है आपको एक्स के टर्म में। तो इसको अंदर वाले को मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा और बाहर वाले को वैसे ही रहने दूंगा। तो 0 से 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो जब डी वाई से इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब डी वाई से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स को कॉन्स्टेंट अज्यूम करना है जब वाई से करेंगे तब, और जब एक्स से करेंगे तो वाई को कॉन्स्टेंट समझना है। ओके तो यहाँ पे डी वाई से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, और वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। ओके अब इसमें लिमिट पुट करेंगे हम लोग अंडर रूट 2x और 0 पुट करेंगे, और बाहर dx को ऐसे लिख देंगे। ओके तो अभी y के प्लेस पे मैं ये पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो करके देख लेते हैं 0 से 2, और यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे y के प्लेस पे अंडर रूट 2x का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट एक दे दो क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है और एक्स स्क्वायर ऐसे लिखे, और बाहर क्या है dx उसको ऐसे लिख देता हूँ। ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके 0 से 2, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x बाय 2 बचेगा क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर में। ओके और ये पार्ट तो 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 0 से 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा x³ एंड dx। ओके और जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा x से, अब इसका इंटीग्रेशन x से कर सकते हैं हम लोग, तो x पावर 4/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे और 0, लिमिट क्या है 2 एंड 0, एक बार अभी 2 पुट करेंगे एक बार 0 पुट करेंगे। ओके तो 2 का पावर 4/4 माइनस 0 का पावर 4/4, एक बार अपर लिमिट एक बार माइनस लोअर लिमिट, तो 0/anything is 0, और 2^4 क्या होता है 16 होता है / 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 4। तो इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर आया मेरा 4। ओके तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है डबल इंटीग्रेशन बेसिक का। ओके तो ये पेपर में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ओके तो अभी हम लोग टाइप वाइज जाएंगे कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि मोस्ट आईएमपी होंगे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन, वही सारे सम हम लोग यहाँ पे करने वाले। ओके तो टाइप वाइज जाएंगे लाइन से, ये बेसिक था, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केच रीजन, उसके बाद चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आते जाएंगी वो सारी चीजें हम लोग देखते जाएंगे। ओके तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।